नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज क्रोटन प्लांट के बारे में बताऊंगी। इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है आपको नर्सरी में। ये 70 से 80 ये तरह के प्लांट आपको मिल जाएंगे। इनकी रंग बिरंगी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं और बड़े डिज़ाइन में होती हैं। कुछ टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ होंगी, कुछ जो है गोल होंगी, कुछ लंबी होंगी, कुछ चौड़ी होंगी और कुछ बहुत ही खूबसूरत होती हैं दोस्तों। और ये नर्सरी में आसानी से आपको जो है, अगर आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट ज़मीन पर भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं नर्सरी से लाके। और इनकी मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो इनकी मिट्टी वेलरेन मिट्टी ही रखी है। और इनकी मिट्टी में कुछ नीम की सूखी हुई पत्तियाँ और जो है, जैसा कि मैंने बहुत से वीडियो में मिट्टी बनाना बताया है, वैसी मिट्टी ही आप बनाइए। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है मेरा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और जो है, इनको डायरेक्ट अगर आप ज़मीन पर लगाते हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है दोस्तों। ये जनवरी के महीने में भी देखिए कितना हेल्दी है, क्योंकि ये ज़मीन पर लगा हुआ है। अगर आपने जो है इसे गमले में लगा रखा है तो ज़रूर ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। उसकी बहुत सी गलतियाँ हम कर बैठते हैं, जो जैसे कि हम इन्हें धूप में नहीं रखते हैं, इन्हें हमें पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा देते रहते हैं, मिट्टी गीली रहती है तब भी हम इनमें ठंडी के मौसम में पानी डालते रहते हैं। जब गमले में देखिए हमारी मिट्टी ड्राई हो गई है आधी, तो तभी हम उनमें पानी डालें। और रही खाने की बात, तो जो है इनको होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र ही, कोई भी प्लांट होता है हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही खाद देते हैं। अगर आप जो है, अगर आपके पास होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है, आप नहीं बना सकती हैं, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हमने पूरा तरीका बताया है बनाने का। और अगर आपको इस तरीके की मिट्टी अगर मिल जाए, तो ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। और ये जो मिट्टी है हमारी, जो है पीपल का बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे की मिट्टी है। और अगर ये मिट्टी आपको मिल जाए, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होती है गमले में लगाने के लिए। और इनके हमने धूप की बात आपसे कर ली, पानी की बात कर ली, और इनको 5 से 6 महीने में ही होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वही बहुत अच्छा होता है काफ़ी, अगर गमले में लगाया हुआ है। इनकी कटिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनकी कटिंग आप फरवरी में लगा सकती हैं। अगर आपने फरवरी में नहीं लगा पा रही हैं किसी कारणवश, तो आप जो है रेनी सीज़न का कटिंग का बहुत अच्छा होता है। कोई भी प्लांट के लिए हमारा रेनी सीज़न काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और ये जो हमारा जनवरी का महीना चल रहा है, इस समय क्रोटोन की काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आपने जो है इन्हें जो है इंडोर रखा हुआ है, तो इन्हें धूप में ज़रूर रख दीजिए, वरना आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और डेली पानी मत दीजिए, डेली पानी से भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है। हमें तभी इनमें पानी डालना है जब देखना है कि हमारे गमले की मिट्टी आधी ड्राई हो गई है, तभी उनमें पानी दीजिए। और रही खाद की बात, तो वो भी आप 5 से 6 महीने में ही इनको खाद दीजिए। फरवरी का जैसे ही महीना आए, उस समय आप इनको खाद दे सकती हैं। और ये सजाने के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, आप इन्हें सजाने के लिए भी रख सकती हैं। और जो है, आप इनकी रही पत्तियों की बात, तो आप अपनी पसंद से वो प्लांट खरीद सकती हैं जिनकी काफ़ी अच्छी पत्तियां हों। तो ये आपकी पसंद के ऊपर है कि आप अपने घर में कौन सा प्लांट लगाना चाहती हैं दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी पत्तियाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका इतनी अच्छी पत्तियाँ होने का कारण यही है कि आप देख सकती हैं इसमें कितनी अच्छे से धूप पड़ रही है। कोई भी प्लांट हो, उन्हें अच्छे से धूप मिलती है 5 से 6 घंटे की, तो वो प्लांट हमारा काफ़ी अच्छे से चलता है। और डायरेक्ट ज़मीन पे लगा हुआ प्लांट, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।